नमस्कार, मैं हूं प्रकाश मिश्र, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, विजयदशमी के शुभ अवसर पर गोरेगांव के मोतीलाल नगर में ब्राह्मण सम्मान समिति द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, वे दिखाएं इस स्वयंभू शिव मंदिर में ये जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं स्वयं इन पदाधिकारियों से बात करूंगा कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, और यहाँ पर जो हमारे पदाधिकारी उपस्थित है ब्राह्मण सम्मान समिति के अधिकारियों और पदाधिकारियों से मैं चर्चा करूंगा कि ये जो आयोजन किया गया है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। ब्राह्मण सम्मान समिति के पदाधिकारी यहाँ पे उपाध्याय जी उपस्थित हैं। उपाध्याय जी से जानना चाहूंगा कि ये ब्राह्मण सम्मान समिति ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दशहरा विजयदशमी की शुभकामनाएं। असत्य पे सत्य की जो आज जीत है, भगवान श्री राम जी ने जो सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है उसकी जीत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और अब रही बात विजयदशमी के दिन जो ब्राह्मण सम्मान समिति के द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज में घटती हुई जागरूकता, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, और हिंदू समाज शास्त्र के साथ साथ शस्त्र, ऐसे दोनों चीज़ों को लेके अपने समाज की रक्षा हेतु आगे बढ़ना है, ऐसा एक विचार हमारे मन में आया। और इसके लिए सबसे पहले ब्राह्मण समाज को अपने हिंदू समाज के लिए ऐसे कार्यक्रम को करते हुए ब्राह्मण समाज हिंदू समाज को जागरूक करे, ऐसा विचार के साथ में हम सभी लोग ब्राह्मण समाज के माध्यम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इसी के साथ में उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज जागरूक रहे, ब्राह्मण समाज हमेशा हिंदू समाज के लिए लड़ता आया है और आगे लड़ता रहेगा, यही उद्देश्य। यहाँ पर और हमारे ऐसा है कि आदि अनादि काल से ही सनातन हिंदू धर्म का नेतृत्व ब्राह्मण समाज ने किया हुआ है। आज भी जब ब्राह्मण समाज को ऐसा लगा कि आज भी हिंदू धर्म को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में ऐसे कोई भी देवी देवता नहीं जिनके हाथ में अस्त्र नहीं है, और आज हम लोग उससे विमुख होते जा रहे हैं। हम लोग शास्त्र का तो ज्ञान रखते हैं मगर शस्त्र से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ब्राह्मण सम्मान समिति का यही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म में शस्त्र की महत्वता समझे, हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं ने धर्म अधर्म पे धर्म का जीत हो उसके लिए अपने हाथ में शस्त्र रखा है, शत्रुओं के विनाश के लिए, और हमारे धर्म पे जिहादियों का, ईसाई मतांतरणों का जो आक्रमण चल रहा है सनातन धर्म पे, उसके विरोध में हमारे पास शस्त्र भी होना चाहिए, शास्त्र भी होना चाहिए, दोनों के ज्ञान को लेकर ही हम हिंदू समाज को आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए शस्त्र पूजन का आयोजन और भी यहाँ पर ब्राह्मण सम्मान समिति के प्रमुख पदाधिकारी संजय मिश्रा जी से जानना चाहूंगा कि आखिर ब्राह्मण सम्मान समिति का भविष्य में क्या उद्देश्य है और ये परिकल्पना को कैसे साकार करने वाले। सबसे पहले सभी देशवासियों को और आपके चैनल को विजयादशमी की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और जैसे कि आपने अभी पूछा कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम तीन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहला लक्ष्य जो हमारा प्रमुख है वो है ब्राह्मणों का सम्मान। कहीं ना कहीं हम अपने सम्मान को खो चुके हैं और कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश की जाती है, उस चीज़ को उभारने की हम पीड़ा उठाए हैं। और दूसरा जो है वो है कन्या, जो कि भ्रूण हत्या से लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, शादी ब्याह की जो होती है उसमें समस्याएं हैं, ब्राह्मण समाज अपनी कन्याओं को अच्छी तरह से सही जगह पे नहीं दे पाता है, जल्दबाजी में कोई शादी ब्याह कर लेते हैं, फिर आगे चल के बहुत सारी दहेज प्रथा ये वर्था ये सब बंद करने का ये पीड़ा है। और तीसरा जो है वह समाज सेवा। समाज सेवा ऐसा है कि शादी ब्याह में हमारे संस्था की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से जो योगदान होगा कन्याओं को, वो कन्या को योगदान देने का प्रयास करेंगे, और समाज में ब्राह्मण समाज के लोगों को जिस चीज़ की जरूरत हो हमारा यह ब्राह्मण समिति हमारा ये ब्राह्मण सम्मान समिति जो बन पड़ेगा हर तरह की हम सुविधा और सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ मेडिकल से लेके शिक्षा के क्षेत्र में और कन्या के क्षेत्र में और बाकी समाज के क्षेत्र में जो कार्य होगा हम सब कार्य करेंगे। जैसा कि ये ब्राह्मण समाज का संगठन हम लोगों ने इसलिए किया है, ब्राह्मण को एकजुट होकर के कुछ आगे प्रगति के मार्ग पे जाएं और अपने समाज का विकास करें, और यदि अपने समाज का अपने लोगों को जोड़ के रखेंगे तो और लोगों का भी विकास कर सकते हैं। हमारा समाज इसलिए संगठित हम कर रहे हैं
हम सर्वे भवंतु सुखिनः, किसी को पीड़ा देने के लिए समाज का संगठन हमारा नहीं। हमारा समाज समृद्धशाली बने और लोगों को, हम अपने माध्यम से लोगों का भी विकास करें, और जब हम एक संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, तभी हम दोनों का विकास सभी का कर सकते हैं। जय परशुराम। मरी ना हो तो वो समाज बहुत आगे जाता है। तो आज यदि ब्राह्मण सम्मान समिति का ये जो बीजारोपण यहाँ से किया गया है, ये वट वृक्ष का रूप तभी लेगा कि जब ये तीन समस्याओं को आप जड़ से नष्ट कर देंगे, इसका समूल नष्ट कर देंगे। चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, कोई भी ब्राह्मण आर्थिक स्थिति में पीछे ना हो, उसके अंदर भुखमरी ना हो, अशिक्षा ना हो, बेरोजगारी ना हो, इसके लिए आप लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा और इसके ऊपर योजनाएं बनानी होगी और उसको प्रतिफुल करना होगा। आगे चल करके ये ब्राह्मण सम्मान समिति जो है अन्य ब्राह्मण संस्थाओं का प्रारूप न बन जाए देखा देखी में, और पद की लालसा में विभिन्न प्रकार की हमारे अंदर कोई कमियां न रह जाए और हमारी संस्था पीछे न रह जाए। इसलिए सभी ब्राह्मण भाइयों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की मन में लालसा न रखे, पद की लालसा न रखे, योगदान दे, खुल करके योगदान दे, क्योंकि संस्थाएं उसका बीजारोपण बड़े जोर शोर से होता है और जब चलने लगती हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां आ जाती हैं, चाहे पद को लेकर के, चाहे उसके विकास को लेकर के, अन्य बहुत सी संस्थाओं की तरह ही दूसरी तरह की कमियां आ जाती हैं। लेकिन हम लोगों को ये निश्चित करना है, हम लोगों को ये विचार करना है, जैसे हमारे वरिष्ठ लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, उनसे उनके मार्गदर्शन में हमको ये विचार करना है कि अन्य समितियों की जैसे हमारी हालत न हो। देखिए, कोई समिति तब चलती है कि जब उसकी आर्थिक स्थिति, किसी भी समिति की जो विकास होता है उसके रीढ़ के ऊपर निर्भर करता है। तो उसका बैकबोन क्या होता है, उसका रीढ़ होता है उसकी आर्थिक स्थिति। ब्राह्मण सम्मान समिति की स्थापना तो हो गई भाई, बिना पैसे के कोई चीज तो चलने वाली है नहीं। आप अगर कोई चीज सोचेंगे नहीं तो वो चीज वहीं उस प्रतिफल क्या वो होने ही वाली नहीं है, यानी कि इस दुनिया में बिना रुपए पैसे के कोई चीज होने वाली नहीं है। तो किसी भी समिति को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। सवाल यह होता है कि आर्थिक स्थिति कब मजबूत होगी, जब आप पैसे ही नहीं देंगे किसी को, आप चंदा ही नहीं देंगे, डोनेशन ही नहीं देंगे, तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगी। हर कोई अपना देखेगा तो ये ब्राह्मण सम्मान समिति तब आगे नहीं प्रतिकूल हो पाएगी। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण विकास करे, ब्राह्मणों की संस्था विकास करे, ब्राह्मण कौम विकास करे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई मेरा ब्राह्मण भाई या कोई मेरा ब्राह्मण, कोई मेरी ब्राह्मण कौम की संस्था आगे बढ़ रही है तो व्यक्तिगत तौर पर मैं क्या दे रहा हूँ उसको देखना चाहिए, दूसरा क्या दे रहा है, यहाँ पर बैठे हुए भाई क्या दे रहे हैं। ब्राह्मण सम्मान समिति जो है भविष्य में क्या क्या योजनाओं को साकार करने वाली है। कैमरा पर्सन विनोद राजपूत के साथ ओम प्रकाश मिश्र।